जय हिंद दोस्तों। ताजे दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जनवरी से पढ़कर आप लोगों को 95% कैसे लाना है। जी हाँ दोस्तों, आज जो इस वीडियो को देख लिया वो 100% बोर्ड एग्जाम 2023 में 95% आसानी से ले आ सकता है। आज का जो कॉन्सेप्ट रहेगा, ट्रिक रहेगा, वो रहेगा जनवरी से पढ़कर आप लोगों को 95% कैसे लाना है। हम बता दें कि ये बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए अंतिम मौका है, और आज का जो कॉन्सेप्ट और ट्रिक जो हम बतला रहे हैं, तरीका, अगर आप समझ जाते हैं और इतना करते हैं तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को जनवरी से पढ़कर 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों जैसा कि बता दें कि आप लोगों का अक्टूबर तो चला गया, इधर नवंबर जो है ये भी चला गया, दिसंबर अभी चल रहा है, कुछ शेष दिन है इसमें भी, लेकिन इसमें शेष दिन है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कंटिन्यू जनवरी से, यानी कि 1 जनवरी से आप लोगों को कैसे तैयारी करना है। अगर आप 10th या 12th के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए अंतिम वीडियो होगा, ठीक है। और जो इस वीडियो को देख लिया उसका समझिए श्री गणेश हो गया, उसका तो एकदम 95% आएगा ही आएगा। इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह है कि आप लोगों के पास अंतिम मौका है, और सारा चीज हम आप लोगों को क्लियर कराएंगे, कैसे पढ़ना है, क्या करना होगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि आप भी टॉपर बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों का सपना है, अब अगर आप लोग अंतिम के महीनों में जनवरी से पढ़कर चाहते हैं कि 95% लाए, तो केवल पाँच मिनट आपको 95% मार्क्स दिलाएगा। केवल आप लोग मेरे साथ 5 मिनट इस वीडियो को देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, स्किप नहीं करना है, ठीक ना, वीडियो को पूरे अंत तक देखना है, ठीक ना। तो चलिए अगला जो पॉइंट है पहले उसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि तो सर हम क्या करें, आप लोगों को घबराना नहीं है, जो हम बतला रहे हैं केवल आप लोग 5 मिनट पहले सुन लीजिए, फिर बाद में वो सारा काम करिएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हम क्या करें, हमेशा बुक लेकर बैठे रहे, नहीं, हमेशा आप लोगों को बुक लेकर नहीं बैठना है, खेलना घूमना एकदम बंद कर दे, नहीं, ये भी आप लोगों को नहीं करना है, सारा चीज करना है, ठीक है। फिर भी आपको कैसे कैसे करना है सारा चीज हम आपको बताएंगे। दोस्तों आज का जो सबसे कड़वी है लेकिन सच्चाई बातें हैं, 8 से 10 घंटा हमेशा पढ़ते रहते हैं, जो स्टूडेंट 8 से 10 घंटा पढ़ते रहते हैं वो 65 से 70% ही लेकर आते हैं। लेकिन जो स्मार्ट वर्क करते हैं, देखिएगा यहाँ पर स्मार्ट वर्क सारा चीज बताएंगे, स्मार्ट वर्क भी कैसे करना है, जो स्मार्ट वर्क करते हैं वो केवल 3 से 4 घंटे ही पढ़ते हैं, 3 से 4 घंटे ही पढ़ते हैं और सारा काम भी करते हैं, फिर भी उनका जो है बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स आता है। आखिर ये 95% मार्क्स कैसे आता है और वो क्या करता है, ठीक है। आप लोगों को एकदम घबराना नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट लेकर आए गए हैं, एकदम ऐसा ट्रिक लगाना है और बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स लाना है, घबराना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझेंगे कि टॉपर जो होते हैं वो क्या क्या करते हैं, ठीक ना। दोस्तों आज संडे का दिन है, ठीक है, और हम सोच रहे थे कि आप लोगों अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो आज आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, और पूरा देखने के बाद केवल आप लोग उतना दिन, मान लीजिए 11 महीना नहीं पढ़े, 10 महीना नहीं पढ़े, लेकिन जनवरी से आप लोगों को फरवरी तक इस तरह से ऐसा तरीका बताएंगे पढ़ने का, ठीक है, और ट्रिक भी बतलाएंगे कि आप लोग आसानी से 95% ले आइएगा। तो चलिए आगे समझते हैं टॉपर जो होते हैं वो क्या करते हैं। सबसे पहले बात तो यह है टॉपर क्या करते हैं और कैसे बनते हैं, और इस बार टॉपर आप भी बनेंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं बनेंगे, आप लोग भी बनेंगे इस बार टॉपर, ठीक है। अब चलिए पहले जो कुछ बातें हैं उसको समझते हैं। देखिए आप जानते हैं कि जो टॉपर होता है और आपके पास सेम बुक होता है, टॉपर का कॉपी और आपका कॉपी सेम रहता है, सेम टीचर भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके लिए अलग से कोई टीचर आते हैं, आपके पास भी 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं और टॉपर के पास भी होता है, और आपका जो पेपर होता है वह सेम पेपर होता है, जो पेपर आपका रहेगा वही पेपर जो है टॉपर का भी रहता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या टॉपर प्रिपरेशन शुरू से करते हैं, तो सारा चीज हम आप लोग को बताएंगे। टॉपर का जो डेली कंसिस्टेंसी है वो हमेशा बना रहता है, क्या वे मेहनत ज्यादा करते हैं आप लोगों की तुलना में, आप लोगों को घबराना नहीं है, सारा चीज क्लियर करेंगे, क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज का जो मूल मंत्र रहेगा, वो रहेगा 95% का, ठीक है, केवल 95% ही आप लोगों का टारगेट लेकर चलना है, क्लियर है। चलिए इतना चीज तो समझ गए होंगे, अब आगे जो भी चर्चा होगा आगे हम समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए आप लोगों को कुछ जानकारी होना बहुत ही जरूरी है,
अगर अभी तक आप लोग अपना सिलेबस को नहीं जाने हैं तो आप अपना सिलेबस जान लीजिए कि आपका सिलेबस क्या क्या हुआ है आपके पास, ठीक है। उसके बाद हर विषय में कितने चैप्टर्स हैं वो सारा चैप्टर एक बार आप लोग देख लें कि हाँ ये मेरे बुक का ही चैप्टर है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे कभी देखे नहीं है चैप्टर और सोचेंगे कि कहाँ से पूछ दिया है। इसलिए हम बता रहे हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा। कितने मार्क्स का आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जो भी करेंगे वो पूरी प्लानिंग के साथ करना है, पूरी प्लानिंग के साथ। ऐसा नहीं है कि सीधे गए और लिखना शुरू कर दिए, नहीं, ये चीज आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। और जो स्टूडेंट ये सारा चीज समझ गए तो उनका तो समझिए 95% तो आएगा ही आएगा। अगर ये चीज आप लोग नहीं करते हैं, वो सारा चीज बताएंगे आप लोगों को करना क्या है और टॉपर कैसे बनना है, वो सारा चीज हम आगे बतलाएंगे। सबसे पहले हम बता दें कि देखिए, कुछ स्टूडेंट का जो होता है कमजोर सब्जेक्ट होता है, कुछ का मजबूत होता है। अब जैसे कि चलिए सबसे पहले मजबूत मान लेते हैं कि आप लोगों का हिंदी और SST यानी सोशल साइंस आपका मजबूत है, तो जो मजबूत है उनको पढ़िए, लेकिन थोड़ा कम पढ़िए। किसके तुलना में? जो कमजोर है, जैसे मान लीजिए आपका मैथ्स कमजोर है और साइंस कमजोर है, तो घबराते क्यों हैं? मैथ्स का हम एकदम 100 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है, जो आपके पेपर में आएगा सारा टाइप का क्वेश्चन करा दिए हैं। नहीं देखे हैं तो वीडियो में जाकर देख लीजिए। तो जो कमजोर सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा ज्यादा समय दीजिए ना, इसमें जो समय निकलेगा इसमें कम दीजिएगा समय, लेकिन इसमें आप लोग थोड़ा ज्यादा दीजिए, ताकि सभी सब्जेक्ट को बराबर बराबर लेकर चलना है। क्लियर है? चलिए अब आगे जो है इंपॉर्टेंट रूल नंबर फर्स्ट उसको समझते हैं। दोस्तों, किसी भी काम को करने से पहले आप लोग उस चीज को एकदम लक्ष्य टारगेट बनाएं, ठीक है। तो हमारा रूल नंबर फर्स्ट वही कहता है कि सेट योर गोल, यानी आपका इस बार का लक्ष्य कितना रहेगा? 95%, ठीक है। तो भैया हम बता दें कि ये 95% कोई हलवा नहीं है, आप ऐसे बैठ गए और आसानी से ले आए, ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले तो ये हमेशा दिमाग में ऐड कर लें कि हमको 95% लाना है, पहली बात हो गया। चलिए दूसरी बात क्या है, अगर 95% लाना है तो इसके लिए एक बेस्ट टाइम टेबल भी आप लोग बनाइए। अब ऐसा टाइम टेबल जो आप रोज फॉलो कर सके, ऐसा टाइम टेबल जिसे आप रोज फॉलो कर सके। ऐसा नहीं कि आप टाइम टेबल आज बना लिए कल से फॉलो नहीं होता है, तो भैया ऐसे में काम नहीं चलेगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि कम से कम जनवरी से आप लोग एक ऐसा टाइम टेबल बनाए जिस टाइम में आपको फुर्सत है, जिस टाइम आपको है आपके पास, जिस समय आप फुर्सत में रहते हैं उसी का टाइम टेबल बनाइए, ठीक है। और वो भी ऑल सब्जेक्ट का, ऐसा नहीं है कि एक दो सब्जेक्ट का, ठीक ना। चलिए कहते हैं ना कि मेहनत के आगे रिजल्ट को झुकना पड़ेगा, और इस बार आप लोग झुकाइएगा, ठीक है, मेहनत कीजिए। अब मेहनत में क्या क्या करना होगा वो हम आगे समझाएंगे। अगर मेहनत करते हैं ईमानदारी से जनवरी से पढ़कर तो 95% आएगा भैया, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आगे समझेंगे अगला जो तरीका है वो क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहां पर है महत्वपूर्ण बातें, और यही बातें आप लोगों को करना है, और ये सारा चीज कर सकते हैं अंतिम के महीनों में जनवरी से पढ़कर आप लोग कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप लोगों के अंदर वो जिद होना चाहिए, वो पागलपन होना चाहिए पढ़ाई के प्रति, ठीक ना। जिस तरह से किसी भी चीज को करने के लिए पागल बनना पड़ता है, उसी तरह से टॉपर बनने के लिए पढ़ाई के पीछे पागल बनना होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, NCERT बुक और प्लस 3 ईयर का पेपर आप लोग करें, 3 ईयर का पेपर जितना भी है क्वेश्चन बैंक से मिले जहां से भी मिले कर लीजिएगा। आगे भी बताएंगे आपको क्या क्या करना होगा, कौन सा पेपर आपको पूछा जाएगा। तो NCERT बुक और 3 ईयर का पेपर आप लोग जरूर सॉल्व करें, यहीं से आपको 95% मिलेगा, टॉपर भी यही करता है, ठीक है। चलिए अगला है, दिन भर स्कूल और कोचिंग अब नहीं जाना है, अब आप लोगों को केवल क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट पावर एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। 100% दोस्तों, 100% मतलब यहां पर जो है सेल्फ स्टडी कीजिए। आपने बहुत पढ़ लिया और कुछ भी नहीं पढ़ा, तो जो भी पढ़ना है आपको खुद से पढ़ना है अब, ठीक है। फिर देखिए आगे, डेली का टारगेट सेट कर लें कि हमको एक दिन में कम से कम साइंस का 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी का करना है, मैथ का 1 चैप्टर रिविजन करना है, ठीक ना। मैथ के लिए आप लोगों को घबराना नहीं है, मैथ का सारा वीडियो बना दिए हैं, जाकर वीडियो को देखिए और समझिए कि किस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है, वो हम बता चुके हैं। अब देखिए, दोस्त भी आपको पढ़ने वाला बनाना होगा। अब ये जो 1.5 महीने है ना, वो जो भी दोस्त हैं आपके साथ में, जिगरी दोस्त मीत जो हैं, उसको रहने दीजिए, उनको बोल दीजिए कि भैया हमको 1.5 महीना परेशान मत करो, हम कुछ करना चाहते हैं। और इस बार आपको दोस्त भी उसी को बनाना है जो पढ़ता है,
सिर्फ बुक खोलकर देखना नहीं है, जब कभी भी बैठें तो पढ़ने के प्रति बैठें। ऐसा नहीं कि बुक खोल लिए हैं और मोबाइल फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर लगे हुए हैं, भैया ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो बुक जब भी खोलना है तो टारगेट होना चाहिए कि बुक में एक चैप्टर अभी पढ़कर पूरा कंप्लीट करना है, ठीक ना। और ज्यादा क्या करना है समझिएगा, कॉपी पर खुद से आपको प्रैक्टिस करना है। कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी अगर ये इतनी चीजें कर लेता है जितना हम बता रहे हैं, इतनी बातें अगर आप लोग फॉलो मेरे बातों को करते हैं ईमानदारी से, तो ये मेरा फुल गारंटी है कि आप लोगों को इस बार बोर्ड एग्जाम 2023 में 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप लोगों से हम बार बार कह रहे हैं कि हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग केवल ये जो है जनवरी से इतना करें। अब देखिए लास्ट जो है उसको समझ लेते हैं। अब दोस्तों है कि आपको जो है 95% कैसे मिलेगा, वो तो पीछे बतला दिए हैं सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं। सबसे पहले आप क्या करें कि थ्री ईयर का पेपर करें, ठीक है। उसके बाद आप देखिए बुक नहीं पढ़ना है, केवल वही पढ़ना है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर कहीं पर भी दिक्कत है, जो भी चीज आप लोगों को लेना है कमेंट करिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करना होगा, केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपोर्टेंट नोट, नोट्स भी उसी का बनाना है जो केवल क्या है इंपोर्टेंट हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बुक का बनाना है नोट्स, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद हम बता दिए कि सेल्फ स्टडी आपको करना होगा। क्वेश्चन आंसर ज्यादा करें, क्वेश्चन आंसर जितना करिएगा उतना आप स्ट्रांग बनिएगा। मॉडल पेपर जरूर करें, उससे क्वेश्चन बहुत मिलेगा। और क्वेश्चन बैंक से आप ये देख लें कि पिछले 2 से 3 साल में क्या क्या पूछा गया है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आपको देखिए याद करना होगा। ऑब्जेक्टिव तो आप कर ही लीजिए याद, अभी तक नहीं किए हैं तो याद कर ही लीजिए, ठीक है। और उसके बाद ऑल फॉर्मूला, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ्स का हो, अलग से कॉपी लीजिए और फॉर्मूला का अलग से बनाकर रोज याद कीजिए। चैप्टर के इंपोर्टेंट टॉपिक्स को भी पढ़िए जो इंपोर्टेंट हो, और टेस्ट अगर देने का सुविधा है तो टेस्ट भी जरूर दीजिए। देखिए शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आप याद कर लीजिए जो भी इंपोर्टेंट है। आप लोग ये टारगेट लेकर चलें कि एक दिन में हमको 2 शॉर्ट और 2 लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। ये सारा चीज आपको अंतिम के दिनों तक करना है, ठीक है। और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को अगर 95% लाना है और आज जिद ठान लिए हैं तो ये सारा चीज करिएगा, और करने के बाद 95% मार्क्स पक्का आएगा। नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, पढ़ाना बंद कर देंगे, ये मेरा फुल गारंटी है 100%। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को जनवरी से पढ़ाई करना है, कैसे करना है सारा चीज बता दिए हैं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ अपने उस दोस्त को भी भेज दीजिएगा जो पढ़ने वाला है, ठीक है। तो और किस राज्य से है कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों अगले एक नए वीडियो में शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।